हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ज्वाली पहुंचे और यहां उन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूर्या पंचायत में कृषि मंत्री ने जन समस्याओं को सुना और लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से आज लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। पिछली सरकारों ने जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन तब जनता की समस्याओं का समाधान कम होता था और अधिकारियों की प्रताड़ना ज्यादा होती थी। उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए काम किया। इसके तहत नगरोटा सूर्या के पौंग क्षेत्र में भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मेरे कटआउट और मुख्यमंत्री के कटआउट लगाए और जगह जगह के ऊपर वो जीप भेजी और प्रेस में उन्होंने ये लिख दिया कि इस सड़क की वजह से कटआउट जो है वो नीचे गिर रहे हैं। जो जीप चलाने वाला जो जीप के बीच बैठा हुआ था, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपने 5 साल यहाँ के आप वाइस चेयरमैन रहे हो और यहाँ का ही MLA रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं जानना चाहता हूँ कि नगरोटा सूर्या से ये जो आगे तक सड़क जाती है कभी एक कितनी भी डाली हो सड़क के ऊपर, दो आदमी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर यहाँ बैठे रहे और सेक्रेटरीट में उसका ऑफिस था। कोई शर्म महसूस करनी चाहिए कि आपने क्या काम किया 5 साल। और आज उस सड़क के लिए मैंने जो है वो 10 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किया है और वो सड़क जो है वो देखा गर्मियों के दिनों में कितनी खूबसूरत सड़क है। इस तरह के भाई आज लोग हैं जो इस प्रकार की घिनौने काम जो है वो करते हैं।